आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव खबरें। वही जो है सही जनपद श्रावस्ती के संभारपुरवा में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय को जाने वाला मार्ग काफी खराब हो गया है। भीमगा लक्ष्मणपुर बाजार मार्ग पर स्थित भुजंगा पेट्रोल पंप के पास से ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय को रास्ता गया हुआ है, जिस पर चलना खतरे से कम नहीं है। इस मार्ग की स्थिति ने तो किसी अधिकारी ने देखा और न ही किसी जनवरी प्रतिनिधि ने ध्यान दिया, जबकि इस समय लोकसभा चुनाव के दौरान कई प्रत्याशी इस रास्ते से निकल रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों में भाजपा के प्रत्याशी ददन मिश्रा इस श्रावस्ती लोकसभा का 5 वर्ष प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। विद्यालय में पढ़ाई करने वाले सैकड़ों बच्चे तथा अध्यापक एवं जनता हमेशा इसी रास्ते से आते जाते हैं। खास खबर अनिल गुप्ता के साथ। और सही पेंटिंग नहीं भाई, सही से पेंटिंग भी नहीं हुआ, सब गढ़ा हुआ पर आवाजाला हम बताएं। अच्छा, रोड के किनारे पटरी भी नहीं है तब? तो जैसे उधर से बस आ रही है, आप डेली आते जाते हैं, अगर आपको साइड लेना हो तो किधर जाएंगे यार? हाँ, कोनो उपाय है, मज्जा चलाओ बचत है। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ चरा रहे हैं क्या कर? अच्छा, चरा रहे हैं। ये देखो नवोदय विद्यालय, ये भीमगा लक्ष्मणपुर मार्ग से नवोदय विद्यालय को ये रोड गया है। इसकी हालत काफ़ी दयनीय है, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है कि यहाँ ईंटें पत्थर इस पर पाटे गए हैं और रोड पूरी तरह से उखड़ चुका है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इनका तो सुविधा होनी चाहिए, सुविधा होना चाहिए। ये कब बना था लगभग? अरे आप जल्दी करवा दीजिए। नहीं, ये इससे पहले कब बना था ये रोड? दो तीन साल। अच्छा, 2-3 साल पहले बना था। जैसा कि ये बोर्ड में दिखाया गया है कि रमन सिंह के द्वारा, जो तत्कालीन जिला अध्यक्ष हैं जिला पंचायत के, ये 2014-15 में इस रोड का नवीनीकरण किया गया था। तो उसके बाद से कोई प्रत्याशी या कोई मतलब अधिकारी कर्मचारी ने इस पर ध्यान दिया नहीं दिया? किसी ने ध्यान नहीं दिया।